खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 11 अप्रैल है और दिन है सोमवार। कल रविवार था, परसों भी थोड़ी आवक हुई थी, करीब 4 लाख 3.5 लाख गट्टे, और आज की आवक है सरसों की करीब 7.5 लाख गट्टे। आप इसको 5 लाख गट्टे भी एवरेज मान सकते हैं। इसी तरह से जो कॉटन का बाजार है वो बहुत तेजी की तरफ आगे बढ़ रहा है, और अब और कितनी तेजी आएगी इस पर हम थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन का, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर से आपका खेत खजाना में स्वागत है, और अब बात शुरू करते हैं सरसों से। सरसों की आवकें बहुत ज़्यादा सुधर नहीं रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रही है। 7.5 लाख गट्टों की आज देश भर की आवक है। इसके बावजूद बाजार में थोड़ा सुधार हुआ है। सुबह भरतपुर का बाजार करीब 100 रुपये तेज खुला, लेकिन अब सुना है कि 30 रुपये के आसपास और उसमें तेजी दर्ज हुई है। दोपहर की वीडियो अपडेट में मैंने आपको बताया था कि सलोनी ने 50 रुपये भाव कमज़ोर कर दिया है, लेकिन उस वीडियो के जारी होते ही करीब 15 मिनट के बाद में सलोनी ने फिर से 50 रुपये का भाव बढ़ा दिया। जयपुर में भी आज सुधार हुआ है 25 रुपये का, और दिल्ली में भी 25 से 50 रुपये का सुधार है। देश की अन्य मंडियों में भी 50 रुपये से लेकर के 100 रुपये का सुधार है। कुल मिलाकर के सरसों का बाजार एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। आप देख रहे हैं कि जयपुर का जो 42% का भाव है वो 7,071-72 इसी दायरे के अंदर घूम रहा है लंबे समय से, और यही कमोबेश स्थिति भरतपुर की है और दूसरी मंडियों की भी यही है। कोई भाव 150 रुपये ही ऊपर नीचे हो रहा है। ये जो स्थिति है ये कंटिन्यू रह सकती है, कुछ दिन और इसी तरह का कारोबार देखने को मिल सकता है, और बाजार इसी सीमित दायरे के अंदर कभी 100 रुपये टूट गया, कभी 100 रुपये बढ़ गया, इसी तरह से चलता हुआ दिखाई दे सकता है कुछ दिन। लेकिन एक चीज़ आप नोट करिए कि पिछले साल जब इन्हीं दिनों में अप्रैल के महीने में सरसों के जो तेल का भाव था वो करीब करीब यहाँ से 40 रुपये तेज था। आज अगर 130 रुपये कम से कम तेज था, 140-142 रुपये का आज भाव है, और पिछले साल ये भाव 172 रुपये के आसपास था इन्हीं दिनों में। इसलिए सरसों के तेल की खपत घट गई थी, और घटकर उसके तेल की खपत घटने से सरसों की जो कुल खपत है वो 3-3.5 लाख बोरी प्रतिदिन की रह गई थी, और आज सरसों का तेल सबसे डाउन है, सभी खाद्य तेलों से डाउन है। इसलिए इसकी खपत निरंतर बढ़ रही है। शुरुआत के जो 1.25 महीना गया है इसमें सारी सरसों आपका रिफाइन बनाने के अंदर यूज़ हुआ है, और अभी भी सरसों जितनी आ रही है सारी खपत में जा रही है, कोई रिफाइंड बनाने में जा रही है, कोई तेल बनाने में जा रही है। इस तरह से जो खपत बढ़ रही है उसका जो उसका आंकड़ा आया है अब वो 6.5 लाख बोरी प्रतिदिन का आ गया है। हमारी 6 लाख बोरी की ज़रूरत है प्रतिदिन खपत की। इसलिए सरसों में अब आगे का जो बाज़ार है वो अगर इसी तरह से चलता रहा, 100-200 रुपये अप डाउन चलता रहा, तो ये बाज़ार आगे चल करके ठीक ठाक तेज़ी बनाता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन उसके लिए हमें बाज़ार की सही दिशा क्या बनेगी, बाज़ार में तेज़ी आने की संभावना कब बनेगी और कैसे बनेगी, इन चीज़ों का विश्लेषण करने के लिए हमें कुछ और चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। मसलन इंटरनेशनल मार्केट क्या कहती है खाद्य तेलों के बारे में, भारत कितना तेल आयात कर पाता है। आप जानते हैं कि हम 70% के लगभग तेल आयात करते हैं, जो हमारी खपत का कुल खपत का 70%, 30-35% तेल हमारे यहाँ होता है। इस बार सरसों थोड़ी ज़्यादा लग रही है अभी भी इस पर विस्तार से फिर चर्चा करेंगे, सरसों ज़्यादा क्यों नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल मार्केट की जो मैं बात कर रहा हूँ, इंडोनेशिया में पाम तेल की दिक्कत है, साउथ अमेरिका में जिसमें ब्राज़ील, अर्जेंटीना और जो छोटे मोटे कंट्रीज आती हैं वहाँ सोयाबीन की फसल कमज़ोर है और उनका उत्पादन निरंतर घट रहा है। इंडोनेशिया ने पाम तेल के निर्यात को लेकर के नई शर्तें, नए नियम और सख्त नियम लागू किए हैं, उससे पाम तेल के आयात में कटौती होना निश्चित लग रहा है। इस तरह से हमें विश्व स्तर पर खाद्य तेलों पर एक बड़ा संकट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये स्थितियाँ जारी रहती हैं और सरसों की आवक इसी तरह बनी रहती है, 5-5.5-6 लाख बोरी की प्रतिदिन की आवक बनी रहती है और 1 महीना लगातार, और तो फिर बाज़ार में आपको एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन हमें कम से कम 1 महीना और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पीक सीज़न है सरसों आवक का, इस पीक सीज़न का हमें इंतज़ार ज़रूर करना है। पहली बार महसूस ये किया जा रहा है कि
इंडिया भारत के अंदर इंडिया में व्यापारियों ने इस बार सरसों का स्टॉक नहीं किया है। अभी तक जितना स्टॉक है जहां है वो केवल और केवल किसानों के पास है। किसान रोक रोक कर धीरे धीरे भाव देख कर और फूंक फूंक कर कदम रखते हुए अपने सरसों को बाजार में ला रहा है। भाव ऊंचा होने की इंतज़ार सबको है, व्यापारियों को भी है, कारोबारियों को भी है और किसानों को भी है। अगर सरसों का तेल का भाव नहीं बढ़ा, सरसों के तेल का भाव इसी तरह इसी लेवल पर घूमता रहा, 143, 44, 42, 45, 145 से ऊपर नहीं उठा, तो आप ये देखिए कि हमारी खपत और बढ़ेगी, क्योंकि सस्ता तेल सबको खाने को मिल रहा है तो सभी का जो फोकस है वो इसी तेल पर रह जाता है, सारी मांग इधर शिफ्ट हो जाती है लगभग। लेकिन कुल मिलाकर के तेजी कब आएगी और कितनी आएगी, इन सब बातों का निर्णय करने के लिए, एक निर्णायक मोड़ पर आने के लिए हमें कम से कम एक महीने का इंतज़ार करना चाहिए। फिलहाल जो लग रहा है, ये जो आगामी एक सप्ताह है, आज सोमवार से लेकर के शनिवार तक, इसी सीमित दायरे के अंदर सरसों का कारोबार होता रहेगा। न तो कोई बड़ी मंदी दिखाई दे रही है, न ही बड़ी कोई तेजी दिखाई दे रही है। तो ये जो सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़े विश्लेषण के साथ हमारे डेली जो न्यूज़ बुलेटिन आता है सुबह मॉर्निंग में व्हाट्सएप पर आपको उपलब्ध होता है, उसमें इसमें इससे भी ज़्यादा विस्तार से ये सब चीज़ें छपती हैं। कहाँ कितनी अराइवल हो रही है, कहाँ कितनी क्रशिंग हो रही है, कहाँ कितना माल आ रहा है, क्या भाव किस तरह से मोड़ ले रहे हैं, और दूसरी जिन्सों के बारे में भी बड़े विस्तार से छपता है, जैसे बासमती है, जैसे कॉटन है, जैसे ग्वार है, जैसे आपका बाजरा है, मक्का है, और सब चीज़ें लगभग जो आपके आसपास की चीज़ें हैं वो सब चीज़ें उसमें छपती हैं। आप उसको भी अपने कारोबार का, अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं, उसके लिए आपको थोड़ी सी फीस देनी पड़ सकती है। बात कर लेते हैं कॉटन की। कॉटन में आज केवल और केवल गुजरात में या थोड़ा बहुत उत्तर भारत की मंडियों में तेजी देखने को मिली है। गुजरात में अच्छी तेजी आई है, 20 रुपये किलो की जो पैकिंग होती है या 20 रुपये किलो का जो भाव होता है, पैकिंग नहीं कहना चाहिए था 20 रुपये किलो का जो भाव होता है वो 2500 रुपये तक पहुंच गया है कॉटन का गुजरात की मंडियों में। कुछ मंडियां ऐसी भी है जहां भाव 2700 रुपये तक भी बोला जा रहा है। 2700 रुपये का मतलब है भाव 13,500 रुपये क्विंटल के आसपास बनता है, 2500 वाला जो भाव वो 12,500 रुपये तक बनता है। तो आप ये मान के चलें कि गुजरात के अंदर जो इतनी बड़ी तेजी आई है और गुजरात देश का एक बड़ा कपास उत्पादक है, वहाँ कपास की किल्लत बन रही है, वहाँ जो अच्छी क्वालिटी का माल है, ए ग्रेड का माल है, वो उपलब्ध नहीं हो रहा है, इसलिए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी हमारी डिमांड बढ़ रही है, लेकिन हमारे पास न तो रुई है, न कच्चा माल है, न स्पिनिंग धागा है, ना बिनोला है, ना खल है, क्योंकि कुल मिलाकर के कपास की जो उत्पादन है, कपास की जो फसल है, वो काफ़ी कमज़ोर दिखाई दी है। इसी कारण से बाज़ार बहुत तेज़ी के साथ ऊंचा उठ रहा है। पर्टिकुलर अगर बात करें उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में आज एक दो मंडियों के अंदर, जैसे आदमपुर मंडी के अंदर एक बार भाव सुनने को मिला था 12,000 रुपये का, हालांकि बाद में कुछ ग्रुप्स के अंदर ये भी सूचना आई कि 11,800 रुपये तक का भाव रहा है। अगर 11,800 का भी भाव है तो वो भी 12,000 के समीप ही माना जाता है। इस तरह से कुछ बाजार उत्तर भारत की मंडियों में या तो सुधार की तरफ बढ़ा है या स्टेबल रहा है। तो कुल मिलाकर के कॉटन में भी मंदा नहीं है, बिनोला और खल का जो कारोबार है वो आगामी 15 दिन के अंदर एक अच्छी तेजी की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कपास में भी मंदा नहीं है, नरमा कपास में भी मंदा नहीं है, बिनोला भी मंदा नहीं है, सरसों में भी मंदा नहीं है, लेकिन बाजार अभी कॉटन का बाजार विशेष रूप से एक खतरनाक स्टेज पर आ गया है। यहाँ पर जो रुई के कारोबारी हैं उनको एक प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और आगे बढ़ने से पहले, बाजार आगे बढ़े इससे पहले सतर्क होकर के कारोबार करना चाहिए। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज भरतपुर का भाव सुबह खुला था 6,692 रुपये और अब सुन रहा हूँ 6,720 रुपये। जयपुर सुबह 7125 था, शायद अब 7150 के आसपास आ गया है। दिल्ली 6,900 रुपये, गंगापुर 6,800 रुपये, सलोनी 7750 रुपये, आदमपुर 6,430 रुपये, एलनाबाद 6,560 रुपये, खैरथल 6,700 रुपये, सिरसा 6,200 रुपये, गंगानगर 6,300 रुपये, खेरली मंडी 6,750 रुपये, बीकानेर 6,200 रुपये, बारा मंडी 6,400 रुपये, अबोहर मंडी 6,100 रुपये, गोलूवाला 6,471 रुपये, मोरबी गुजरात 6,000 रुपये, सुमेरपुर 6,750 रुपये, मेनपुरी
उत्तर प्रदेश 6400 रुपए, बूंदी 6300 रुपए, एटा 6100 रुपए, निवई मंडी 7100 रुपए, अलवर 6780 रुपए, ग्वालियर 6600 रुपए, महेंद्रगढ़, बड़ी डिमांड आती है महेंद्रगढ़ के भाव की, 6300 रुपए से लेकर 6750 रुपए, और रेवाड़ी में आज भाव रहा है 6325 रुपए से लेकर 6621 रुपए तक। नरमा आज आदमपुर में बिका है 11820 रुपए, हालांकि पहले 12000 भी बताया गया था। एलनाबाद में आज 11450 रुपए का भाव रहा है, और सिरसा में भाव रहा है 11650 रुपए। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।